this plane this plane of rotation is a vertical plane and this is the horizontal axis so this is the horizontal axis and uh, it is rotating in this vertical plane so this plane is vertical after losing contact it moves under gravity so uh, it loses contact and then thereafter it moves under gravity and hits the diametrically opposite point like this find the angular velocity of the cylinder assume friction to be sufficiently high so that it does not slide on the cylinder तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करता हुआ गया ये बॉल तो ये बॉल इसके साथ कांटेक्ट में मेंटेन था और कांटेक्ट लूज़ नहीं किया इसने यहाँ पे कोई स्लाइड नहीं किया इसके अलोंग इसने कोई स्लाइड नहीं किया इट इज़ मूविंग विद दिस सिलेंडर एंड हियर इट इज़ लूजिंग कांटेक्ट तो इसमें वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी तो ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर यहाँ पर कॉन्टेक्ट लूज हुआ है तो ऑब्वियसली कि नॉर्मल रिएक्शन एट दिस पॉइंट विल बिकम ज़ीरो तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन हो जीरो हो जाएगा सपोज ये जो लोकेशन है इसको मैं इस एंगल से रिप्रेजेंट करता हूँ कि इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ में सपोज ये जो पोजीशन वैक्टर है दिस पोजीशन वैक्टर इज़ मेकिंग एंगल थेटा तो इसका अगर फ्री वो डायग्राम बनाए तो फ्री वो डायग्राम में दिस इज़ एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड

एम जी का जो ये कॉम्पोनेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है इसको नेसेसरी सेंटरपिटल फोर्स एंड दिस कंपोनेंट विल बी दिस एंगल इज थेटा सो दिस एंगल विल बी नाइन्टी मैन स्ेटा सो दिस कंपोनेंट टूअर्स दिस सेंटर विल बी एम जी साइन थेटा सो दिस इज एम जी साइन थेटा दिस इज इक्वल टू एम एंड सपोज इट्स वेलोसिटी इज हियर वी एंड दैट वी इज इक्वल टू सिंपली ओमेगा इन टू आर बिकॉज इट इज़ मूविंग विद दिस सिलेंडर एंड दी वेसिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ द सिलेंडर इज ओमेगार सो इस पॉइंट की वेलासिटी ओमेगा इंट टू आर है तो जो बॉल की वैलासिटी वो भी ओमेगा इन टू आर होगी तो दिस वैलासिटी इज ओमेगा इन टू आर सो एम जी साइन ठेटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एंड द वैलासिटी ऑफ बोल और दैलासिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ दिस सिलेंडर इज सिंपली आर जी साइन थेटा दिस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी साइन थेटा सो टू फाइंड ओमेगा वी नीड टू फाइंड वी वी यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए और वी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फाइंड दिस साइन थेटा यानी कि ये ठेटा कैलकुलेट करना होगा साइन ठीटा कैलकुलेट करना होगा दैन वी कैन फाइंड दिस वैल्यू वी एंड फ्रॉम वी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा तो इसके बाद का जो अब यहाँ पर मोशन है ठीक है यहाँ पर जो विलासिटी है इसकी ये विलासिटी टेंजेंशियल होगी यहाँ पर दिस वेलॉसिटी विल बी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस दिस इज टेंजेंशियल व्हिच इज़ डिनोटेड बाय वेलोसिटी बी तो ये वेलोसिटी इस तरीके की, की है और जैसे ही यहाँ से क्वान्ट लूज होगा तो देयर आफ्टर द फोर्स विल बी ड्यू टू ग्रेविटी ओनली तो एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से तो वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन तो इसका मतलब है कि इस केस में ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा तो इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ होगा प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इसको तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा और इट इज़ परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन समथिंग लाइक दिस एंड देन अगेन इट इज़ कोलाइडिंग विद दिस सिलेंडर और अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे तो अब यहाँ पर इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में हुआ है डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज टू आर के इक्वल होगा विच इज़ इक्वल टू द डायमीटर So here I can write displacement. Suppose uh, r is the displacement, so this displacement is equal to because acceleration is constant, so it is uh, velocity vector initial velocity vector plus uh, into time plus half a t square, and acceleration is due to gravity, so it is g vector into t square. g vector is obviously vertically downward always. It is vertically downward, and v vector initial this velocity vector is along this direction.

इसको मैं जस्ट आगे एक्सटेंड कर देता हूँ दिस इज दैट वैक्टर तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा और जो नेट वेलोसिटी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इसके है और हाफ जेट स्क्वायर इज़ वर्टिकल सो हाफ जेट स्क्वायर जो वैक्टर यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हम वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए सो अप टिल दिस पॉइंट अप टिल दिस पॉइंट दिस इज वी टी सॉरी दिस इज वी टी सॉरी This is v. This is v t total v t vector, and this vector is half g t square vector. And uh, this angle is theta. This angle with the vertical will be ninety minus theta, and uh, this half g t square is also vertical, so this angle is ninety minus theta, and this angle will be theta. So, this angle is theta. So, this is a, a right angle triangle here. In this right angle triangle, this length is equal to 2r, this length is equal to vt. Numerically, this is equal to vt, and this length is numerically half jt square. So, we can solve using this. So, use we can solve. So, this upper half jt square. Half jt square cos theta. This should be equal to vt, and from here we can find it t. We can find it t.

तो इसमें जो टी ये कैलकुलेट किया गया इस टी को आई कैन पुट हियर तो इसमें यहाँ पर मैं टी पुट कर सकता हूँ तो हाफ जी दिस इज फोर वी स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीठा एंड दिस इज इक्वल टू टू आर एंड फॉर वी स्क्वायर वी स्क्वायर को आर जी साइन ठीटा यहाँ पुट कर लेते हैं तो वी स्क्वायर को आर जी साइन ठीटा यहाँ से पुट कर लेंगे तो दिस इज हाफ जी फोर वी स्क्वायर की जगह पर आर जी साइन ठीटा ठीक तो तो है तो वी स्क्वायर इज आर जी साइन ठीटा हियर देर विल बी साइन थीटा ऑल्सो तो ये साइन थीटा यहाँ पर छूट गया तो ये साइन थीटा यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसकी वजह से एंड दिस इज जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज टू आर सो ऑल दिस विल गेट कैंसल्ड और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा वन के बराबर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अगर वन के बराबर हो गया तो थीटा विल बी इक्वल टू फोटी फाइव डिग्री तो जिस लोकेशन पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज़ हो रहा है दैट लोकेशन विल बी थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री तो यहाँ पे बस अब यहाँ पर सिंपली अब ये v आ गया तो v स्क्वायर इज आर जी साइन थीटर साइन फोर्टी फाइव दिस इज रूट टू वन बाई रूट टू सो दिस इज़ आर जी बाई रूट टू तो यहाँ से v आ जाएगा v इज अंडर रूट आर जी बाई रूट टू और एक बार वी आ गया तो ओमेगा इज इक्वल टू तो सिंपली v बाई आर और उससे जो v का आंसर है वो ये हो जाएगा अंडर रूट जी डिवाइड बाई रूट टू आर तो दिस इज़ आंसर फॉर ओमेगा ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर बेटर ट्राएंगल से परफॉर्म किया है इस कैलकुलेशन को वी कैन डू इट इन अदर मैनर ऑल्सो इसको जैसे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है एक तरीके से यहाँ पर ये ये जो है इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ इंक्लाइंट प्लेन और इस इंक्लाइंट प्लेन का इंक्लेशन विद द हॉर्जोटल थिएटर है तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इनक्लाइंट प्लेन तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन दिस इमेजनरी इन्क्लाइंट प्लेन यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं और इन दैट केस इसको वाई एक्सेस बोल देते हैं परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन और डायमीटर दिस इज द दाई एक्सेस एंड अलोंग दिस डायमीटर दिस इज से दिस इज एक्स एक्सेस और इसके बाद में इनके कॉम्पोनेट्स कर सकते हैं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ यहाँ पे वाई कॉम्पोनेंट होगा तो यू वाई सिंपली इज इक्वल टू वी यू एक्स नहीं है यहाँ पर ए एक्स तो एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट तो अगर ये जी है तो जी का ये कॉम्पोनेंट करेंगे तो दिस विल बी जी थीटा तो ए एक्स विल बी जी साइन डेटा एंड दिस एक्सलेशन अलॉन्ग वाईज विल बी इक्वल टू तो दिस कॉम्पोनेट इज गोइंग टू बी जी कॉस्ट डेटा सो इट इज़ अपोजिट टू दी वाई एक्सेस तो माइनस जी कॉस्ट डेटा हो जाएगा तो इसमें पहले हम टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम ऑफ लाइट के लिए जो वाई के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि फाइनली डिसप्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सेस है तो वाई के अलॉन्ग डिसप्लेसमेंट हो जाता है जीरो तो वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर सो इसमें वाई को जीरो पुट करके और यू वाई और ए वाई की वैल्यूज पुट करके वी कैन फाइंड दी टाइम ऑफ फ्लाइट सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल कम आउट एज टू वी डिवाइड बाई जी कॉस थीटा वी कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस टाइम ऑफ फ्लाइट एज टू U perpendicular upon A perpendicular. U perpendicular is perpendicular to this inclined plane initial velocity component. So U perpendicular is initial velocity component perpendicular to this inclined plane, and A perpendicular is magnitude of acceleration component of acceleration perpendicular to the inclined plane. So and uh, for range, this uh, this 2r is range. This is range along this inclined plane which is displacement along this x axis. So displacement along x axis is u x t plus half x t square. So initially this u uh, x is 0. So this is 2 r displacement is 2 r ux is 0 and half a x is g sin theta and we can put this t and you will get the same values. फ्रॉम हियर यू कैन सी तो इस इक्वेशन से यू कैन सी कि टू आर दिस टू आर इज हाफ जी टी स्क्र साइन ठेटा तो वही चीज़ आ रही है यहाँ पर हाफ जी टी स्क्र साइन ठेटा तो विल गेट द सेम वैल्यूज